मेरे को एक बार लगाने के बाद ही फेस इतना ज़्यादा क्लियर दिख रहा है कि अपने फेस से प्यार ही हो गया है। तो अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करोगे तो आपके स्किन से सारे प्रॉब्लम छूमंतर हो जाएंगे कि जैसे पहले कभी था ही नहीं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने फैमिली के साथ फुल्ली मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक रेमेडी लेकर आई हूँ, लेकिन रेमेडी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और बगल में जो बेल आइकन उसको प्रेस जरूर कर दें ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए रेमेडी स्टार्ट करते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए मेन जो दो इन्ग्रीडियंट हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है इनो और दूसरा है कोकोनट ऑयल। आप किसी भी ब्रांड का कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले लेना है इनो। इनो को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है, लगभग हाफ टेबल स्पून के बराबर इनो लेना है। फुल इनो नहीं लेना है, इनो आपको 9 से 10 रुपए के पैक में आ जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और लेना है फिर हाफ कटा हुआ लेमन। तो लेमन भी आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बनाता है और आपको विटामिन सी देता है, जिससे स्किन के सारे पोल्यूशन जो भी होते हैं या फिर डर्ट होते हैं या फिर जो दाग धब्बे होते हैं वो भी कम होने लगते हैं। तो इसमें मैंने नींबू निचोड़ दिया आधा। और उसके बाद लेना है 1 टेबल स्पून के बराबर कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल को दुनिया का बेस्ट नेचुरल मॉइस्चराइज़र माना गया है। ये आपकी स्किन में एक अच्छा मॉइस्चराइज़र का काम करता है, साथ ही साथ आपकी स्किन को ग्लो भी प्रदान करता है और इस जिससे कि अगर आपकी स्किन में ड्राइनेस है वो भी कम हो जाता है। फोर्थ इंग्रेडिएंट है कोलगेट पेस्ट। आप ले सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हो। मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो आप कोई सा भी पेस्ट ले सकते हैं। तो इसको लगभग थोड़ा सा पेस्ट ले लेना है और इसको भी इसमें मिला देना है अच्छे से। अगर आपके पास कोलगेट हो तो आप उसी को लीजिएगा, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। वैसे बेस्ट सारे ही होते हैं लेकिन कोलगेट बेटर है। तो क्या करना है, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, अपने फेस पे इसको अप्लाई कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपके फेस में अगर झाइयाँ हैं, वो बहुत पुरानी झाइयाँ, सालों पुरानी झाइयाँ और मार्केट का बहुत सारा प्रोडक्ट लगा के आप थक चुके हैं और वो झाइयाँ बिल्कुल नहीं गई हैं, तो आप इसको ट्राई करके देखिए। इससे आपकी झाइयाँ धीरे धीरे फेड होने लगेंगी, बहुत ज़्यादा लाइट अप हो जाएंगी। तो इसको एक बार आप बना के ट्राई करके देखिए। और हाँ, इसको आप स्टोर करके बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। इसको जब भी आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है, आप अपने फेस को अच्छे से वॉश करिए और इसको तुरंत बनाइए। 5 मिनट के अंदर इसको लगा लीजिए। इसको स्टोर करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप इसको स्टोर करके नहीं रख सकते, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको अपने फेस पर अप्लाई करके दिखाती हूँ कि इसको अपने फेस पर कैसे अप्लाई करना है। तो मैंने मेरे फेस को अच्छे से फेस वॉश करके रखा है। फेस वॉश करने के बाद ही इसको अप्लाई करिएगा, कोई भी मेकअप फेस पे नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये अपना वर्क अच्छे से नहीं करेगा फेस पे। तो आपको क्या करना है कि जितना भी प्रॉब्लमेटिक एरिया है बस उतने ही एरिया में अपने फेस पे इसको अप्लाई करना है। अगर जितने एरिया में प्रॉब्लम नहीं है वहाँ अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर नुकसान कर सकता है ये, और ये एक तरीके की मेडिसिन समझ लीजिए है ये। तो मेडिसिन जितना प्रॉब्लमेटिक एरिया है उतने में ही लगाइए, बाकी पूरे फेस पे इसको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। ये कोई क्रीम नहीं है, ये आपके प्रॉब्लम को दूर करने वाली मेडिसिन है। तो इसको आप अपने फेस पे प्रॉब्लमेटिक एरिया में लगाइए। और लगाने के बाद क्या करना है आपको, इसको थोड़ा हल्के हल्के हाथों से मसाज देना है, बहुत हल्के हाथों से मसाज देना है, बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है फेस को, रगड़ना नहीं है फेस को। और इसको क्या करना है आपको, 15 दिन में एक बार करना है, मंथ में सिर्फ 2 बार ही करना है। आप इसका डेली बेसिस यूज नहीं कर सकते हैं। इसको आप अगर ऐसे ही 15-15 दिन पर यूज़ करेंगे तब भी आपका बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। डेली आप बिल्कुल भी इसको यूज़ नहीं करिएगा, ये हार्मफुल हो सकता है आपके लिए। तो जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, इस तरीके से अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके फेस के सालों पुराने झाइयाँ जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। मैं खुद ही झाइयों से जूझ रही हूँ, मैंने खुद बहुत सारे प्रोडक्ट लगा लिए हैं लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं मिला है। बहुत ज़्यादा झाइयाँ डार्क होती जा रही थी, जब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ मेरी झाइयाँ पहले से बहुत ज़्यादा लाइट अप हो गई हैं, पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई हैं। तो अब मैं ऐसे ही इसी प्रोडक्ट का यूज़ करती हूँ, ऐसे ही रेमेडी बना के मैं अपने फेस पे लगाती हूँ। और इसको ऐसे हल्के से मसाज देते हुए आपको 5 मिनट तक इसको अपने फेस पे अच्छे से ऐसे मसाज देते रहना है, बहुत लाइट हाथों से, फिंगर टिप की हेल्प से अच्छे से आपको मसाज देते रहना है 5 मिनट तक। 5 मिनट के बाद इसको आपको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देना है, जब तक ये सूख ना जाए। तो इसको आपको अच्छे से लगाते हुए इसी तरीके से करना है। इसको लगाने के बाद आपको अपने फेस को ऐसे ही छोड़ देना है और उसके बाद नॉर्मल वाटर से अच्छे से वॉश कर लेना है। बिल्कुल भी हीट वाटर का यूज़ नहीं करना है, नॉर्मल वाटर जो नॉर्मल टेम्परेचर पर वाटर होता है उसी से अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है। और साथ ही साथ अगर आपके पास फ्रिज है और उसके बाद इसको अच्छे से वॉश कर लेना है और इसको 15 दिन में एक बार करना है। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से यूज़ करते हो इसका, इस रेमेडी का, तो आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको मेरा स्किन अच्छे से विजिबल हो रहा होगा, मैंने कोई मेकअप अपने फेस पे नहीं किया है, कुछ भी फेस पे अप्लाई नहीं किया है।
और मैं इसको 10 मिनट तक अपने फेस पे रखूँगी। जब ये सूख जाएगा उसके बाद मैं नॉर्मल वाटर से अपना फेस वॉश कर लूँगी। तो इसको सिर्फ 15 दिन में एक बार लगाना है, आप डेली बेसिस पे इसका यूज़ बिल्कुल मत करिएगा। और ये मेरा सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो आप फर्स्ट टेस्ट ले लीजिएगा, अगर आपको ये सूट ना करे तो आप बिल्कुल भी इसका यूज़ नहीं करिएगा, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करिएगा। पहले आप साइड में कान के पीछे थोड़ा लगा लीजिएगा। तो मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है और आप देख सकते हैं मेरा फेस कितना ज़्यादा क्लियर लग रहा है। एक ही बार यूज़ करने पे फेस कितना बढ़िया दिख रहा है। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसका यूज़ कर रहे हैं, 15-15 दिन पे हमेशा यूज़ कर रहे हैं, तो आपका फेस काफ़ी अच्छा हो जाएगा और आपके फेस के सारे प्रॉब्लम चुटकी में ख़त्म हो जाएंगे। तो आप इसका यूज़ रेमेडी का कर सकते हैं, लेकिन पहली बार कर रहे हैं तो फर्स्ट टेस्ट ज़रूर लीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, रेमेडी अच्छी लगी चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।